आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि ट्रेन कैंसिल है। हमें कहीं जाना होता है तो हमें ये टेंशन रहता है कि कहीं ट्रेन कैंसिल तो नहीं है, तो मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ लैपटॉप से, जिससे आप घर से निकलने से पहले ट्रेन पकड़ने के लिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो भी ट्रेन में जाने वाले हैं वो ट्रेन कैंसिल है या नहीं। सो गाइस, मैं ही इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे हम लैपटॉप से ये पता लगाएंगे कि हम जो भी ट्रेन में जाने वाले हैं वो ट्रेन कैंसिल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप जो भी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं वो कैंसिल है या नहीं, और पूरे मंथ का आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि उस कौन कौन से डेट में है जो ट्रेन कैंसिल है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्पॉट ट्रेन पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपके पास ट्रेन नंबर है या नाम है वो डाल के इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट आपको यहाँ पर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक डाल के इस तरीके से। यहाँ पे मैं यहाँ पर गाड़ी का नंबर डाला, यहाँ नाम देखिए आ चुका है, यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कहाँ जाना है इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ न्यू दिल्ली जाना है तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ट्रेन नेम बता दिया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ जर्नी डेट बता दिया कहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डेट बता देता है कि कौन से तारीख में यह जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि डिले अराइवल नो डिले, इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी ट्रेन है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइव स्टेशन पर क्लिक करके आप स्टेशन का लाइव भी देख सकते हैं कि स्टेशन पे गाड़ी लगी हुई है नहीं। तो यहाँ पे स्टेशन का नाम डालेंगे और यहाँ पे आप 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा तक का आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन शेड्यूल में क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं, इसमें ट्रेन नंबर डाल के और यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रेन का नंबर डाल देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके जैसे डालेंगे आपको यहाँ पे पूरे के पूरे आप बता देगा कि यहाँ पे शेड्यूल क्या है और कहाँ 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 से होके कौन कौन से स्टेशन पर होते हुए ये ट्रेन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेन बिटवीन स्टेशन पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टनल ट्रेन और यहाँ पे यूजफुल लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कैंसिल ट्रेन, यहाँ पे रिशेड्यूल ट्रेन, मतलब इसका जो है टाइमिंग चेंज कर दिया गया है वो ट्रेन आपको दिखाएगा, डायवर्ट ट्रेन मतलब जिसका रूट चेंज कर दिया गया है वो दिखाएगा और कैंसिल ट्रेन का दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजफुल ट्रेन है, इस पर आप PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीट जो है अवेलेबल है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टिकट बुकिंग का चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फ्लाइट बिजनेस का भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बैक आ जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आप जो भी ट्रेन में जाना चाहते हैं अगर आपको ट्रेन नंबर पता है और जो भी ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आप उसको डाल के कैसे आप फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे कि आपका ट्रेन कैंसिल है या नहीं वो डेट में। तो इसके लिए हम यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाते हैं। यहाँ से मैं दिखाने वाला हूँ कि जो भी ट्रेन में आप जाना चाहते हैं तो वो ट्रेन कैंसिल है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे शो कैंसिल इन्फो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको न्यू टैब ये ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपका ट्रेन नंबर या नाम डाल के यहाँ पर ट्रेन नंबर या नाम डालेंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं एक नंबर डाल देता हूँ ट्रेन का इस तरीके से, इसे मैं यहाँ पर डाला, यहाँ पर इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये ले लेता है। तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ये जो ट्रेन है कौन कौन से डेट में कैंसिल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 11, 18 और 25 के डेट में जो ये ट्रेन जो है जयनगर NDLS स्पेशल जो है ये कैंसिल है। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो अवेलेबल है और यहाँ पर ग्रे वाला जो है ये पहले का है। तो इसका नीचे आप हाईलाइट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका शो कर रहा है, यहाँ ग्रे है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि ट्रेन डोज रन ऑन द डे, मतलब ये जो है एक दिन पहले का है। इसके अलावा यहाँ पर रेड वाला जो है यहाँ पे कैंसिल फॉर द डे है और ग्रीन वाला जो है यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि ट्रेन इज शेड्यूल रन ऑन द डे, मतलब ये जो है बताया जा रहा है कि आपको ग्रीन वाला जो है ये ट्रेन चालू है जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से आप पूरे महीने का देख सकते हैं
कि कौन कौन से डेट में जाएगी और कौन कौन से डेट में ये नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी ट्रेन का नंबर है, वो ट्रेन का नंबर यहाँ पे या नाम डाल के यहाँ पे जैसे डालिएगा और यहाँ पे शो कैंसिलेशन इन्फो पर क्लिक कीजिएगा, या यहाँ पे जैसे डालिएगा इंटर कीजिएगा तो डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपके सामने में ये प्रीव्यू आपको शो कर देगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से लैपटॉप से ये पता लगा सकते हैं कि आप जो भी ट्रेन में जाना चाहते हैं और जो भी डेट में जाना चाहते हैं उस डेट में ट्रेन कैंसिल है या अवेलेबल है। सो गाइज, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइज, आपने जाना कि किस तरीके से हम लैपटॉप से ये पता लगाएंगे कि मैं जो ट्रेन में जाने वाला हूँ वो ट्रेन कैंसिल है या नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।